हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है अपने पास रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने पास ऐसे कौन कौन से रूट से अपन ड्रग एडमिनिस्टर करवाते हैं, तो देन उससे पहले जो कि जो राइट्स होते हैं वो राइट्स के बारे में अपने को ध्यान में रखना है कि जो अपने पास जो राइट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो अपने पास रहते हैं वो 10 राइट्स होते हैं। 10 राइट्स को अपने को पता होना चाहिए कि 10 राइट्स कौन कौन से हो गए। तो सबसे फर्स्ट में अपन लेके चल सकते हैं कि वहाँ पे अपन राइट्स के अंदर इंक्लूड करें कि राइट ड्रग हो गया, राइट रूट हो गई, राइट डोज हो गया, राइट टाइम हो गया, राइट वहाँ डॉक्यूमेंटेशन हो गया, राइट डॉक्यूमेंटेशन के बाद में राइट असेसमेंट हो गया, राइट असेसमेंट के बाद में वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं राइट इवैल्यूएशन हो गया, राइट क्लाइंट एजुकेशन हो गया, राइट रिफ्यूज हो गया और राइट पेशेंट हो गया। तो ये अपने पास 10 राइट्स होने चाहिए। 10 राइट्स के अंदर अपने पास जैसे सबसे पहले अपन देख रहे हैं राइट पेशेंट जरूरी है। यदि एक्यूरेट पेशेंट हो गया तभी अपन वहाँ पे उसको मेडिसिन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। देन आता है उसके बाद में राइट पेशेंट के बाद में आता है राइट डोज, राइट ड्रग्स, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन। तो अपने पास जैसे कि अपन ने राइट वहाँ पे जैसे पेशेंट राइट वहाँ पे कंफर्मेशन कर लिया, उसके बाद में कौन सी ड्रग्स अपन दे रहे हैं, राइट ड्रग्स या राइट मेडिकेशन, उसके बाद में राइट डोज, कितने अमाउंट में कितनी डोज अपन अप्लाई कर रहे हैं। देन आता है राइट टाइम, कौन से टाइम, इवनिंग मॉर्निंग वगैरह अपने वहाँ पे टाइमिंग वगैरह उसके अंदर अपन वहाँ पे देखते हैं। राइट डॉक्यूमेंटेशन, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन अपने को मेंटेन करना होता है। राइट असेसमेंट अपने को वहाँ पे करना होगा, जैसे कि आप लोग पेशेंट के वहाँ पे कंडीशन वगैरह आप लोग को वहाँ पे असिस्ट करना है। राइट इवैल्यूएशन अपने को रिजल्ट देखना है। राइट क्लाइंट एजुकेशन अपने को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है और राइट रिफ्यूज अपने को प्रॉपरली वहाँ पर रिफ्यूज अपन वहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ कि जैसे कि अपने पास ये राइट्स अपने को फॉलो करने होते हैं, ये 10 राइट्स होते हैं राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, देन अपन फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि राइट जो कि ड्रग्स वगैरह कौन कौन से रूट से दी जाती है। अब देन देखते हैं अपन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि कौन कौन से रूट होते हैं। अब जैसे इसके अंदर अपन वन बाय वन अपन लेके चलेंगे कि इसके अंदर जैसे कि मेनली होता है ओरल रूट हो गया, सबलिंगुअल रूट हो गया, टॉपिकल रूट हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, इंसरेशन हो गया, और उसके अंदर जैसे कि अपन नॉर्मल लिखते हैं पेरेंटल रूट के अंदर जैसे कि अपने पास अलग अलग जो कि पेनिट्रेट वगैरह रीडिंग वगैरह का अपन यूज करते हैं। तो ये अपन वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से रूट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सबसे फर्स्ट वन आता है अपने पास ओरल रूट। अब जैसे कोई भी मेडिसिन है वो टैबलेट फॉर्म में रहेगी, तो टैबलेट फॉर्म में रहेगी तो आप लोग नॉर्मली अपन ओरल रूट के थ्रू आप लोग क्या करते हैं वहाँ पे अपन मेडिसिन वगैरह अपन इनहेल करवाते हैं। जैसे कि अपने पास कोई भी जैसे मेडिसिन है तो आप लोग ओरल रूट के थ्रू आप लोग वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई करते हो। इसके अंदर अपने पास हो गया कि जैसे ओरल रूट के अंदर अपन ओरली जैसे कि मेडिसिन वगैरह अपन जैसे टैबलेट फॉर्म में होते हैं उनको अपन ओरली लेते हैं। जैसे कि आप लोग जैसे कोई भी जैसे टैबलेट फॉर्म वगैरह होगी जैसे PCM वगैरह की जो भी टैबलेट्स होती हैं अपन क्या करते हैं उनको अपन ओरली लेते हैं। नेक्स्ट है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो रूट होता है उसके अंदर अपन जो मेडिसिन होती है उसको अपन टंग के नीचे अपन वहाँ पे क्या करते हैं अपन प्लेस करते हैं। कोई भी मेडिसिन वगैरह होगी अपन जैसे ओरल कैविटी के अंदर जो टंग होते हैं टंग के नीचे अपन वहाँ पे सबलिंगुअली रूट के थ्रू अपन वहाँ पे मेडिसिन वगैरह अपन अप्लाई करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिकली। टॉपिकली के अंदर क्या होता है कि अपन जो कि स्किन ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं अपन स्किन के ऊपर अपन और वहाँ पे क्या करते हैं अपन सुपरफिशियली जो एक्सटर्नल स्किन के ऊपर अपन क्या करते हैं वहाँ पे अप्लाई करवाते हैं, तो वो होता है अपने पास नॉर्मली जो कि टॉपिकल रूट होगा कि मतलब ऑइंटमेंट वगैरह का अपन वहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के अंदर अपन क्या करते हैं जैसे आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप्स वगैरह होते हैं तो अपन क्या करते हैं वहाँ पे ईयर ड्रॉप्स वगैरह जो अपने पास जो मेडिसिन वगैरह उस रूम में रहेंगे तो अपन वहाँ पे इंस्टॉलेशन जैसे आईज ड्रॉप वगैरह के अंदर अपन वहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर अपन जैसे कि नॉर्मली जैसे किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जैसे लंग्स जैसी डिजीज है जैसे अस्थमा हो गया, COPD हो गया, ठीक है, तो ऐसी डिजीज के लिए अपन जैसे कि नॉर्मली पफ वगैरह अपन लेते हैं तो जैसे उसके थ्रू जैसे अपन नॉर्मली पफ के थ्रू अपन क्या करते हैं वहाँ पे मेडिसिन को इंसर्ट करवाते हैं, तो वो रूट हो गया अपने पास इनहेलेशन। ठीक है, उसके बाद में अपने पास जैसे कि देन आएगा अपने पास जो कि पेरेंटल रूट होता है। पेरेंटल रूट के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि पेरेंटल रूट के अंदर अपन पेरेंटल का मतलब क्या हुआ, पेनिट्रेट करना, कि वहाँ पे अपन क्या करते हैं नीडल वगैरह का यूज करते हैं जिसके अंदर अलग अलग सब टाइप्स होते हैं जैसे सबक्यूटेनियस हो गया। सबक्यूटेनियस जो कि रूट होता है उसके अंदर जैसे इंसुलिन वगैरह के अपन वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह अप्लाई करते हैं, तो पेरेंटल रूट के अंदर क्या होगा अपन इंजेक्शन वगैरह का अपन नीडल वगैरह का अपन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास जैसे कि जो सबक्यूटेनियस रहेगा अपन 45 डिग्री के एंगल पे अपन
क्या करते हैं वहाँ पे ये जो कि अपन ये सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन अपन लगाते हैं। उसके बाद में जैसे कि इंट्रा मस्कुलर जो मसल्स के अंदर लगता है, जैसे कि जो वो एक रूट होगी कि आप लोग मसल्स के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो मेडिसिन आप लोग अप्लाई करवा रहे हो, तो वो कौन सा हो गया आपके पास इंट्रा मस्कुलर। देन उसके बाद में इंट्रा मस्कुलर के बाद में आता है इंट्रावीनस, वेन के अंदर आप लोग वहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हो मेडिसिन वगैरह, आप लोग वेन के थ्रू जैसे ब्लड के अंदर आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट करवा रहे हैं वेन को ब्रिक करके, तो वो हो गया आपके पास इंट्रावीनस। नेक्स्ट है इंट्राओसियस, जो इंट्राओसियस होता है तो वहाँ पे अपने जो मेडिसिन आप लोग अप्लाई कर रहे हो वो कहाँ पे अप्लाई करते हो बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और एक होता है इसके अंदर इंट्राकार्डियक, जो कि कार्डियक के अंदर आप लोग कार्डियक मसल्स के अंदर आप लोग वहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्ट मेडिसिन वगैरह आप लोग अप्लाई करते हैं। तो ये अपने पास हो गए अपने पास पेरेंट्रल रूट के थ्रू की, मतलब जो भी आप लोग वहाँ पे क्या करोगे जो कि मेडिसिन आप लोग इंसर्ट कर रहे हो वो मेडिसिन वगैरह आप लोग इंसर्ट करते हो कि जो आप लोग नेडल वगैरह का यूज़ करके इंजेक्शन वगैरह का यूज़ करते हैं पर पेरेंट्रल रूट के अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास था कि जैसे नॉर्मली अपन ने देखा कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, ये क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर अपन ने देखा ओरली हो गया, सबलिंगुअल हो गया, टॉपिकल हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, इंसरेशन हो गया, पेरेंटल रूट हो गया, ठीक है। पेरेंटल रूट के अंदर भी अपन ने जो इंजेक्शन वगैरह अपन देते हैं इंजेक्शन के थ्रू अपन मेडिसिन वगैरह अप्लाई करते हैं, इंट्राडर्मिस वगैरह के अंदर अपन दे रहे हैं, ठीक है। डर्मिस जो लेयर होती है वहाँ पर अपन इंसर्ट करवा रहे हैं, इंट्रावीनस दे रहे हैं, इंट्रा मस्कुलर वगैरह अपन इंजेक्शन दे रहे हैं, ये किसके अंदर आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ध्यान रखना पहले तो 6 राइट्स का अपने को फॉलो करना है, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट डोज, राइट ड्रग एंड राइट रूट, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया कि 6 राइट्स अपने को ध्यान में रखने, ठीक है। उसके बाद में अपने पास जो रहेगा कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने देखा कि कौन कौन से रूट होता है, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।